हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये वैगनर के सीरीज है, इसका क्या है कि क्लच प्लेट खराब हो गया था, उसे हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा देखे ताकि आप भी सीख सके कि वो क्लच प्लेट किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। पहले मैं आपको इसका क्या प्रॉब्लम है वो पहले दिखा देता हूँ, बाद में इसका जो क्लच प्लेट रिप्लेस करेंगे वो पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने कार को स्टार्ट कर दिया है। अभी क्या, मैं इसका क्लच करके इस गाड़ी को गियर में डालता हूँ और पूरा का पूरा क्लच छोड़ देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने क्लच दबाया हुआ नहीं है और गाड़ी को मैंने गियर में भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। फिर भी क्या है कि गाड़ी आगे नहीं चल रही है। इसका मतलब होता है कि इसका पूरा का पूरा जो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का सेट है वो खराब हो गया है। तो हमें पूरा का पूरा सेट है उसे रिप्लेस करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। दोस्तों, इस कार में हमें क्या क्या निकालना होगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमें यह पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे जो सीजा लगी है वो सारी की सारी निकालनी होगी, क्योंकि हमें निकालना है इसका गियर। तो गियर के साथ और क्या क्या कनेक्ट रहता है आप देख सकते हैं। इसकी जो एक्सल रहती है उस एक्सलों को भी हमें दोनों तरफ से निकाल देना होगा। दोस्तों, हमने यहाँ से बैटरी को निकाल दिया है। अब इस बैटरी स्टैंड को भी हमें निकाल देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे जो बोल्ट लगे हैं उसे रिमूव करके हम बैटरी स्टैंड को निकाल सकते हैं। इसको भी हमने अलग कर दिया है। ये पूरा का पूरा चीज़ है वो एक साथ ही बाहर आ जाएगा। तो अभी हमने कार का व्हील निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, एक्सल को गियर से अलग करना है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसे दो बोल्ट को यहाँ से निकाल लेंगे और इसे आगे कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका टायर और स्टेयरिंग लिंकेज लगा हुआ है, तो उसे भी यहाँ से निकाल देंगे। ताकि क्या होगा, ये आगे आ जाएगा तो हम इसका एक्सल है उसे निकाल देंगे और ये बोल्ट है उसे भी रिमूव कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो गियर के केबल रहते हैं उसे निकाल दिया है। यहाँ पे जो क्लच का जो केबल रहता है उसे भी निकाल दिया। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो निकाल लगी हुई रहती है, यहाँ पे सॉकेट रहता है, सारी चीज़ें हमें पहले रिमूव कर देनी है। लास्ट में फाउंडेशन को निकालना है। पहले अभी यहाँ पे जो लगा हुआ है और बाद में हमें क्या करना है, नीचे जो एक्सल लगी हुई है उसे भी पहले निकाल देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसके दोनों एक्सल है उसे निकाल दिया है। जो कनेक्ट रहते हैं एक एक्सल यहाँ पर और एक एक्सल यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारे बोल्ट रहते हैं उसे हमें लूज करके लेना होगा। पहले सारे बोल्ट को निकाल देना है हमें। लास्ट में फाउंडेशन को निकाल के गियर को इस तरह से पीछे करके हम इसे इजीली नीचे ले लेंगे। आप देख सकते हैं एक फाउंडेशन यहाँ पर भी लगा हुआ है। सारे फाउंडेशन को हमको निकालना होगा, इसे लूज करके हमें ले लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसके गियर को बाहर निकाल दिया है। यहाँ से पूरा का पूरा गियर है हमने बाहर निकाल दिया। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सारा जो प्लोथिन है वो क्लच प्लेट का है। आप देख सकते हैं इसकी क्लच प्लेट है। एक तरफ से पूरा का पूरा जो मटेरियल रहता है कार्बन मटेरियल पूरी तरह से घिस चुका है, जिसकी वजह से क्या, अपना जो क्लच था वो काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा था। यार, इसकी प्रेशर प्लेट है, आप देख सकते हैं इस पर भी कट आ गया। तो हमें क्या करना होगा, पूरा का पूरा सेट है उसे रिप्लेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेट है, मारुति जेन्युइन पार्ट है, उसे मंगवा रखा है मैंने। इसको इसकी जगह पे हम इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको नया और पुराने में फ़र्क दिखाता हूँ। दोस्तों, आप एक क्लच प्लेट देख सकते हैं, इसमें जो फोर व्हील में यूज़ होता है सिंगल प्लेट क्लच प्लेट कहा जाता है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसमें कितना कार्बन मटेरियल है, इस तरह की यह कंप्लीट आती है। और ये इसके नई प्रेशर प्लेट का सेट है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा सेट है, हमें एक साथ रिप्लेस करना रहेगा। लेकिन क्या हो कि क्लच में अच्छी तरह से वर्क करे, क्लच प्लेट खराब हो जाती है दोस्तों, तो कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। अगर वीक रहेगी तो भी कई तरह के प्रॉब्लम शो हो गए। और ये आप देख सकते हैं इसका क्लच का जो बेयरिंग है उसे भी हम इसमें नया डालने वाले हैं। जब भी कभी भी आप क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का सेट रिप्लेस करवाते हो तो पूरा का पूरा सेट डलवाइए और ये बेयरिंग भी आप रिप्लेस कर दीजिए, ताकि क्या हो कि क्लच अच्छी तरह से वर्क करे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें इसमें नई इंस्टॉल करनी होगी। तो सबसे पहले इसे हम कार के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों, मैं इस क्लच बेयरिंग को इस तरह से अंदर कम्प्लीटली बिठा देना है और इधर ये फ्रीली मूवमेंट होना चाहिए इस तरह से। यहाँ पे इसकी जगह पे इसे बिठा देना है पहले, और क्लच प्लेट को उसकी जगह पे इंस्टॉल कर देना है। कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देखते हैं क्लच प्लेट को यहाँ पे इसकी जगह पे पहले इंस्टॉल कर देना रहेगा हमें। दोस्तों, इस क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट को अच्छी तरह से बिठाने के बाद हमें क्या करना होता है, इसका सेंटर है उसे ठीक से लेना होता है। अगर सेंटर ठीक से नहीं आएगा तो गियर अंदर बैठेगा नहीं ठीक से और आप जो गियर है उसे बिठा नहीं पाएंगे। इसलिए इसका सेंटर में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमने जो इसका गियर का जो क्लच प्लेट है उसे बिठा दिया। गियर लगाने के बाद हमने क्या किया, उसकी जो सारी चीज़ें खोली थी उसे वापस से इंस्टॉल कर दिया है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम सामने आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने जब कार को स्टार्ट किया तो इसके बेल्ट में से आवाज़ आ रही थी, तो हमने बेल्ट को देखा तो इस तरह से टूटा हुआ निकला।
हमें क्या करना होगा, ये इसका जो दो बेल्ट रहते हैं एसी का अल्टरनेटर का, वो दोनों हमें रिप्लेस करना रहेगा। अब देख सकते हैं दोनों बेल्ट है इसका, इसमें ये भी पूरी तरह से इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है, इसे भी रिप्लेस करना रहेगा। और ये बेल्ट तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से टूट गया है, तो इसे भी हमें रिप्लेस करके लेना होगा।